लाइफ का एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि हमें कुछ करना है, तो मुझे बस एक बात ये कहनी है कि ये सारी चीजें कि आप 18 घंटे पढ़िए, अपने अपना 100% दीजिए, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन मुझे जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ति की तरफ स्टेप लगता है वो ये है कि अगर हम कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट रखें, जो कहते हैं रम के इन्वॉल्व होना, उसमें आप जब रम जाते हैं तो आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इसका फर्क नहीं महसूस होता। आपको दिन रात जो सपनों वाली बात हमें कलाम साहब ने बताई थी कि सपने वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दे, वो वाली जब जोगनी आपको लगेगी तब आप अपने जीवन के इस उद्देश्य की तरफ सही स्टेप्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। वो फीलिंग आपको वहीं पता चल जाएगी कि मेरा डायरेक्शन जो है वो सही है। और ये भी बात सही है कि सब लोगों को वो समृद्धि नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, अभी अभ्योदय कोचिंग का एक फोरम है और फोरम्स हैं जहाँ आप घर में अपना एडवर्सिटी है लेकिन संघर्ष है, लेकिन उसमें भी आप इन चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। और कोई भी जो संघर्ष की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर निराशा अगर आपको हाथ लगती है तो इतने निराश मत हो जाइए कि आप दोबारा प्रयास करने के लिए ना उठ खड़े हों। मुझे बस यही कहना है, मैं खुद तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई हूँ, तो अगर मेरे को एक अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में निराशा लगती तो शायद मैं तीसरा अटेम्प्ट ही नहीं करती, कि डर जाती। तो हमें संघर्ष की उस सीढ़ी पर अपने हर संघर्ष और हर निराश होने वाली चीज से कुछ ना कुछ सीख लेकर के और मजबूती से उससे डटने का जज्बा विकसित करना है। ये मुझे अपने सभी उन सभी लोगों को कहना है। और